कल जो हमने एक एग्जांपल की थी 5.3, तो आज भी एक एग्जांपल करेंगे 5.4, लेकिन उससे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उसके द्वारा हमने स्टडी करना है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये पहले भी आपने ईएमटी के अंदर जो है इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। हाँ जाएं आप, ठीक है। तो अभी हमने जो एक इक्वेशन देखी थी जो करंट का रिलेशन बताती है आपको करंट डेंसिटी के साथ, तो अगर कोई टोटल करंट एस टोटल करंट क्रॉसिंग द सरफेस एस, अगर कोई टोटल करंट जो है वो क्रॉस कर रही हो किसी सरफेस एस को, तो हम कह सकते हैं इट कैन बी रिटन एज, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं आई इज इक्वल टू एस जे डॉट डी ए, ठीक है। और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं आई इज इक्वल टू एस जे डी ए कॉज ऑफ थीटा, और डी ए कॉज ऑफ थीटा जो है ये डी ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो वी कैन राइट इट आई एस जे डी ए परपेंडिकुलर। तो अब चार्ज पर यूनिट टाइम जो कि किसी वॉल्यूम को लीव कर रहा हो, द चार्ज पर यूनिट टाइम विच इज लीविंग द वॉल्यूम वी, अब कोई चार्ज है जो किसी वॉल्यूम वी में से बाहर की तरफ जा रहा है मूव कर रहा है, तो वो कितना होगा सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू वी, गॉज़स थ्योरम लगा दें तो डेल डॉट जे डी ऑफ टाउ। तो अब आपको एक बात का पता है कि चार्ज जो होता है उसके ऊपर क्या लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज तो कंजर्व है, ठीक है, चाहे अंदर जा रहा है या बाहर की तरफ निकल रहा है। तो बिकॉज द चार्ज इज कंजर्व्ड, अब चार्ज जो है वो तो चूंकि कंजर्व्ड है, तो अगर अब ये फ्लो आउट करता है किसी सरफेस के अंदर से, तो जितना ये सरफेस में से फ्लो करेगा उतना ही सरफेस के अंदर मौजूद भी होगा, ठीक है। तो एज मच इट फ्लोज आउट ऑफ द सरफेस सेम is inside the surface, उतना ही सेम ये सरफेस के अंदर होगा, जितना सरफेस से बाहर जाएगा उतना ही सरफेस के अंदर भी होगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व है, जितना लीव करेगा उतना ही एंटर भी होगा। तो इसका मतलब है कि फिर ये v डेल डॉट v डेल डॉट जे सॉरी डी ऑफ टाउ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी
डी क्यू ओवर डी टी। तो डी क्यू, क्यू इसके अंदर चार्ज है, यानी कि बेसिकली ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर चार्ज जो है वो वी रो डी टाओ के बराबर है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं इसको राइट डाउन कर सकता हूं कि इंटीग्रल डेल डॉट वी डी ऑफ टाओ इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी वी रो डी ऑफ टाओ। तो अब जो फुल डेरिवेटिव होता है अगर इसको अंदर ले जाएं इंटीग्रल के तो वो क्या बन जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता है। तो वी डेल डॉट वी डी ऑफ टाओ माइनस करली रो ओवर करली टी डी ऑफ टाओ वॉल्यूम इंटीग्रल। अब माइनस आई यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो आउटवर्ड फ्लो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस साइन इज शोइंग दैट द आउटवर्ड फ्लो इज डिक्रीजिंग, कि आउटवर्ड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो रहा है। द चार्ज लेफ्ट वी जो कि वॉल्यूम वी को छोड़ रहा है। तो अब ये चीज जो है ये तो किसी वॉल्यूम के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। सो दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी वॉल्यूम, देयरफॉर अब ये इक्वेशन देखें आपके, इसको इस तरफ ले हैं, वी डेल डॉट वी डी ऑफ टाओ माइनस प्लस करली रो ओवर करली टी डी ऑफ टाओ इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं वी डी ऑफ टाओ को कॉमन निकालूं तो अंदर मेरे पास डेल डॉट वी प्लस करली रो ओवर करली टी जो है वो बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो वी डी ऑफ टाओ इज नॉट इक्वल टू जीरो बट सॉरी ये मैं इधर वी लिखता जा रहा हूँ, इसको इसको जे करें, ये जे है ठीक है, ये वी नहीं है, ये करंट डेंसिटी है जे, और तो किसी जगह हाँ इधर भी जे, ये सारा ठीक कर लें इसको, ये जे है वी नहीं है, करंट डेंसिटी की बात हो रही है डेल डॉट जे। अच्छा अब ये डी ऑफ डॉट जीरो के बराबर नहीं है तो डेल डॉट जे प्लस करली रो ओवर करली टी किसके बराबर होगा, जीरो के। और ये डेल डॉट जे जो है इज इक्वल टू माइनस करली रो ओवर करली टी, तो ये इक्वेशन जो है इट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का नाम देते हैं।
ठीक है। अब इसमें आप देखें कि जो बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिस्क्राइब कर रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो क्या कहलाता है, वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो कहलाती है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इसके अंदर हमारे पास तीन किस्म की करंट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम करंट्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ करंट्स, ठीक है, तीन किस्म की होती हैं, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम करंट्स, ठीक है। ये तीन किस्म की करंट्स हमारे पास, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम, तो इनको आप लिख सकते हैं। और एक और भी होती है जिसको हम कहते हैं एंड, एक और का इजाफा कर लें यहां पर, पॉइंट करंट, ठीक है। तो इनको हम राइट कौन कह सकते हैं, समेशन आई वन टू एन क्यू ऑफ आई वी ऑफ आई, ये पॉइंट करंट के लिए, ये आगे से कन्वर्ट होता लाइन में, तो जब लाइन आती है तो आई डी एल आ जाता है, वो आई डी एल जब सरफेस में जाता है तो वो बन जाता है के डी ए, और फिर ये के डी ए जब वॉल्यूम में जाता है तो ये बन जाता है जे डी ऑफ टाउ। ठीक है, चारों करंट, पॉइंट, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम, ये सारी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखें कि क्यू जो है वो होता है लैम्डा डी एल के बराबर, ठीक है, और क्यू बराबर होता है सिग्मा डी ए के, क्यू बराबर होता है रो डी टाउ के, और ये क्या है, ये वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। इसको कहते हैं लाइन चार्ज, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज, इसे कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये लेंथ का एलिमेंट है, ये एरिया का एलिमेंट है, और ये वॉल्यूम का एलिमेंट है। ठीक है मेरी बात, तो ये दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ अब एक एग्जांपल हम करके देखते हैं इसी से रिलेटेड, वो एग्जांपल है ये ग्रिफिथ की 5.4। बेटा आ जाओ से, एग्जाम्पल 5.4 ग्रिफिथ। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, कहते हैं कि एज ए करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन विद रेडियस ए, उसकी फिगर दी हुई है, फाइंड द वॉल्यूम करंट डेंसिटी। आपने इसके लिए वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो करंट इज यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड, तो करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ए वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। जिन्होंने जाना चले जाए, जिन्होंने जाना वो चले जाए, ठीक है। तो ओवर ए वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इस विद रेडियस ए, जिसका कि रेडियस ए है, हमने फाइंड करनी है, फाइंड द वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे। वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे जो है उसको आपने फाइंड करना। तो वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे जो है इसको फाइंड करने के लिए इसका सॉल्यूशन आप देखें कि सॉल्यूशन जो है पहले नंबर पे हम फिगर बना लेते हैं ज़रा इसकी, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो आप देखें कि ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और ये करंट आई इसमें से फ्लो कर रही है और ये इसका रेडियस ए है। अब जो एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो है the area perpendicular to the flow वो पाई ए स्क्वेयर के बराबर है, ठीक है जी। अब करंट डेंसिटी जे किसके बराबर होती है, करंट पर यूनिट एरिया, तो जे यहां पर फिर क्या आ जाएगा, आई ओवर पाई ए स्क्वेयर। ठीक है, अब मुझे एक और फिगर बनानी पड़ेगी, इसको कहेंगे ये फिगर वन है, एक और फिगर जो है वो हम बना लेते हैं, ये देखिए क्रॉस सेक्शन अगर मैं लूँ ये सर्कुलर और ये पॉइंट है इस जगह पर, तो यहां से ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ये इस जगह पे, ये जो स्ट्रिप है इसके अंदर ये, ठीक है, ये स्ट्रिप जो है ये डिस्क्राइब कर रही है एफ डी फाई को, और ये वाली लाइन जो है ये जो डी एस है उसको डिस्क्राइब कर रही है एरिया का एलिमेंट, इसको कहते हैं एस डी फाई, ये मैंने आर्क लेंथ लिखी है, ठीक है, वो जो होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये एस क्या है यहां पर, ये इसका रेडियस है, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ना ये वाली, ये क्या है इसका, ये एस इसका रेडियस है, तो ये वो आर्क लेंथ मैंने लिखी है। तो अब जो जे है, एज जे वेरीज विद एस, तो जे जो है वो एस से वेरी कर रहा है, तो जो करंट है आपके पास टोटल करंट जो पास कर रही है, यानी कि ये करंट जो पास कर रही है यहां से इस रीजन के अंदर से, ये करंट आई डी आई जे डॉट डी ए के बराबर है, ठीक है। और इसका अगर इंटीग्रल ले लें दोनों साइड्स पर, तो आई जे डी ए
कॉज ऑफ थीटा, और डी ए कॉज ऑफ थीटा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो इसका मतलब है कि जो ये इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, आई जे डी ए परपेंडिकुलर। अब डी ए परपेंडिकुलर उसका एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ इसकी एस है और विड्थ कितनी है, एस डी फाई, ठीक है। तो ये डी ए परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास एस डी एस डी फाई। अब ये वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो आई जे इंटू डी ए परपेंडिकुलर की जगह पर एस डी फाई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां पर जो वैल्यू है जे की वो गिवन है, वो वैल्यू जो गिवन है वो है जे इज इक्वल टू के एस, ये वैल्यू दी हुई है। तो इसका मतलब है कि जो करंट डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, वायर के प्रोपोर्शनल डिस्टेंस जो एक्सिस से आप ले रहे हैं, तो जे इज इक्वल टू के एस के बराबर है। अब ये जे इज इक्वल टू के एस ये जो वैल्यू है आप यहां पर इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू के एस एस डी एस डी फाई। या ठीक है, तो इसको यू कैन राइट अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करना है क्योंकि करंट चाहिए हमें उस फार्मूले के लिए। तो आई जीरो से ए के एस स्क्वायर डी एस डी फाई, अब दो इंटीग्रल आ जाएंगे, एक तो एस पे जा रहे हैं जीरो टू ए एस स्क्वायर डी एस, के को बाहर निकाले तो कांस्टेंट है, और जीरो टू टू पाई डी फाई, क्योंकि फाई जो होती है उसकी फुल रोटेशन होती है टू पाई की। तो ये आ जाएगा, ये तो जीरो टू टू पाई, टू पाई के बराबर ही हो जाएगा, टू पाई के जीरो टू ए एस स्क्वायर डी एस। अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट, ठीक है जी, तो करते हैं इसको इंटीग्रेट, टू पाई के जीरो टू ए एस क्यू डिवाइडेड बाई थ्री, लिमिट लगा दे टू पाई के ए क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, अब आपके पास जो वैल्यू थी जे की वो थी आई ओवर पाई ए स्क्वायर, नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ आई हेयर, तो यहां पर आई की वैल्यू पुट करेंगे तो जे टू पाई के ए क्यूब डिवाइड बाई थ्री पाई ए स्क्वायर, तो ये ए ए से काट गया, तो जे की वैल्यू हमारे पास टू पाई के ए डिवाइडेड बाई थ्री पाई, तो पाई पाई से काट गया, तो जे टू k
के ए डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू निकल आई। तो यही आपने फाइंड जो करनी थी इस वायर के अंदर से जो करंट गुजर रही थी उसकी करंट डेंसिटी की वैल्यू, वॉल्यूम डेंसिटी जिसको कहते हैं, उसे कैलकुलेट करना था। ये हमने करके देख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, ये अभी तक आपको जो मैंने आर्टिकल पढ़ाए हैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपने करने हैं, ये जो ग्रिफिथ की किताब के हैं। इसमें प्रॉब्लम 5.1, 5.2, 5.3। उसके बाद 5.4 और 5.5, 5.6 और 5.7। ये प्रॉब्लम जो है ये आपकी असाइनमेंट है, ये इसको आपने ट्राई करनी है। इसके साथ सारे ये फिर मुझे सबमिट करनी है जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके साथ। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमने जो है वो कुछ चीज़ें स्टडी कर ली। नाउ वी विल मूव अहेड टू द बायट एंड सावट्स लॉ। ठीक है, ये बायट एंड सावट्स लॉ जो है ये आपने पहले इसको जो है वो स्टडी किया हुआ है। ठीक है, आपने EMT के अंदर, EMT 2 के अंदर जो है बायट्स एंड सावट्स लॉ पढ़ा था। तो बेसिकली बायट्स एंड सावट्स लॉ आपको पता है कि ये इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। The Biot and Savart's Law. तो Biot's and Savart's Law जो है इसको स्टडी करने से पहले वी शुड नो अबाउट स्टडी करंट्स। ठीक है, क्योंकि स्टडी करंट्स के केस में ही बायट्स एंड सावट्स लॉ जो है वो इस्तेमाल होता है। तो अगर स्टेशनरी चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं इन टाइम। ठीक है, स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट आर कांस्टेंट इन टाइम, जो कि टाइम में कांस्टेंट होते हैं। स्टेशनरी चार्ज है यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन, टाइम के एवोल्यूशन से वो चेंज नहीं हो रहा था। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो स्टेटर। This is known as electrostatics. इसको हम electrostatics का नाम देते हैं, यानी कि जो stationary charges हैं और उनकी वजह से जो fields produce होते हैं जो कि constant होते हैं time के अंदर, electric field, उसकी study हम जिसमें करते हैं वो किसमें करते हैं, वो electrostatics में। इससे पिछला जो आपने classical electrodynamics 1 पढ़ी थी उसके अंदर आपने इन्हीं को स्टडी किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो स्टेडी करंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं मैग्नेटिक फील्ड्स दैट आर कांस्टेंट इन टाइम। ठीक है, तो द स्टेडी करंट्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड्स दैट आर
कांस्टेंट इन टाइम, दिस इज नोन एज मैग्नेटो स्टैटिक्स। स्टेडी करंट्स, ऐसी करंट्स के जिनके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशन ना आ रही हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो, वो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो स्टेडी करंट्स प्रोड्यूस करती हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो थ्योरी ऑफ स्टेडी करंट्स है सारी, यानी कि जिसके अंदर आप स्टेडी करंट्स को स्टडी करते हैं, उसको हम मैग्नेटोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। ये पूरी ब्रांच जो है इसको आप मैग्नेटोस्टैटिक्स कहते हैं। इससे आगे फिर आती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स होती है कि जहाँ पर जाकर करंट स्टडी नहीं रहती हैं, जिसके अंदर आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये वाली चीज़ें जो हैं वो स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्टेशनरी चार्जेज हैं ये इम्प्लाई करते हैं हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, और दूसरे नंबर पे है हमारे पास स्टेडी करंट्स। तो स्टेडी करंट्स जो हैं ये डिस्क्राइब करती हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स को, यानी कि मैग्नेटो स्टैटिक्स को। तो अब यहाँ पर स्टेडी करंट जो है इससे क्या मुराद है? स्टेडी करंट से मुराद ये है कि कंटीन्यूअस फ्लो है करंट का, जो कि फॉर एवर जारी है विदाउट एनी चेंज, और इसमें चार्ज भी जो है वो किसी जगह पर पाइल अप नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता। चार्ज जो है वो पाइल अप नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, और एक कंटीन्यूअस फ्लो जो है वो जारी रहता है, कोई चेंज नहीं आती करंट के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेडी करंट, ठीक है। तो बाय स्टेडी करंट अगर हम स्टेडी करंट को डिफाइन करें, एक कंटिन्यूअस फ्लो दैट हैज बिन गोइंग ऑन, जो के होता रहता है, जारी रहता है फ्लो जो है फॉर एवर, हमेशा के लिए, विदाउट चेंज, और इसके अंदर कोई चेंज भी नहीं आती, एंड विदाउट चार्ज पिलिंग अप, पिलिंग अप एनीवेयर, और इसके अंदर चार्ज भी जो है वो किसी जगह पर पाइल अप नहीं होता। तो यहां पर कुछ लोग जो है वो इनको स्टेशनरी करंट का भी नाम देते हैं, बट
दिस इज नॉट अ स्टेशनरी करंट, स्टेशनरी नहीं होती, इसको स्टेडी कहते हैं। स्टेशनरी का मतलब है कि जो रुका हुआ ना उसको स्टेशनरी कह सकते, क्योंकि करंट तो होती है तब है जब चार्ज मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास कर्ली रो ओवर कर्ली टी जीरो के बराबर होती है, और कर्ली जे जो है ओवर कर्ली टी ये भी जीरो के बराबर होता है एट ऑल प्लेसेस एट ऑल टाइम्स। इसको क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे दें। तो अगर आप बेसिकली देखा जाए तो यहां पर वैसे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम ये कहें कि वो स्टेडी है या स्टेशनरी है, लेकिन जो स्टेशनरी चार्ज है उसके बारे में तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, यानी कि एक चार्ज जो रुका हुआ है उसके बारे में तो हम बात करते हैं कि चार्ज रुका हुआ है तो उसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा होता है कि जो कि कॉन्स्टेंट इन टाइम होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन से फील्ड आप स्टडी करते हैं, वो फील्ड जो कॉन्स्टेंट इन टाइम है, जिनके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कोई वेरिएशन नहीं आ रही, ठीक है जी। तो अब जो पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है, तो पॉइंट चार्ज जो मूव कर रहा है वो पॉसिबली कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता एक स्टेडी करंट को, ठीक है। लेकिन हम ये बात जो स्टेडी करंट की है, बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टेडी किस तरह हो सकती है, एक चार्ज मूव कर रहा है तो स्टेडी कहना उसको, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ही हम उसको स्टेडी कहते हैं। वो किस तरह उसको स्टेडी कहते हैं कि जी ये इसके अंदर ये जो करंट फ्लो कर रही है ये फ्लो करती जा रही है फॉर एवर, किसी जगह पर रुक नहीं रही या किसी जगह पर ये पाइल अप नहीं हो रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दैट इज़ अ स्टेडी करंट, इसलिए हम इसको स्टेडी करंट का नाम दे रहे हैं। वैसे तो चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। तो अगर स्टेडी करंट जो है वो किसी वायर के अंदर मूव करती है, व्हेन द स्टेडी करंट, तो जब स्टेडी करंट जो है वो किसी वायर के अंदर मूव करती है, फ्लोज इन ए वायर, ठीक है, किसी वायर में से गुजरती है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इट्स मैग्नीट्यूड आई, आई करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड आई जो है मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम ऑल अलोंग द लाइन, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड के अंदर किसी जगह पर भी चेंज नहीं आनी चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज आएगी तो इसका मतलब है कि चार्ज है वो किसी जगह पर पाइल अप होगा, ठीक है। अदरवाइज चार्ज वुड पाइलिंग अप एनीवेयर या समवेयर, एंड इट वुड नॉट बी ए स्टेडी करंट, तो फिर ये स्टेडी करंट नहीं होगी। तो अब चूंकि कर्ली रो ओवर कर्ली टी जीरो होता है
इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो लिहाजा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिकम्स, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो आप देखें कि क्या होती है, डेल डॉट जे प्लस करली रो ओवर करली टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो है इसके अंदर, तो लिहाजा डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो इन मैग्नेटो स्टेटिक्स। ठीक है जी, मैग्नेटो स्टेटिक्स में डेल डॉट जे जीरो, तो क्योंकि करली रो ओवर करली टी जो है वो मैग्नेटो स्टेटिक्स के अंदर जीरो हो जाती है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बन जाती है किसके अंदर, मैग्नेटो स्टेटिक्स के अंदर। ठीक है, स्टेडी करंट को ये शो कर। ठीक है, आप फिर कल वो फिर इसका बायट्स एंड सेवर्ट्स लॉ जो है उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।